नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड में 20 अप्रैल से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 20 और 21 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी संथाल परगना और उससे लगे निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। 20 से 22 अप्रैल तक हवा की गति सामान्य से अधिक रह सकती है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। 22 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का गर्जन और वज्रपात की आशंका है। वही मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि झारखंड के कई जिलों में 20 से 22 अप्रैल तक हवा की गति सामान्य से अधिक होगी। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। 20 और 21 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी संथाल परगना और उससे लगे निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क रहा है, ड्राई रहा है और जो सबसे अधिक अधिकतम तापमान की बात करें तो 45.1 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है। राज्य में कुछ कुछ जगह पे आपको हीट वेव और कुछ जगह पे सीवियर हीट वेव की भी स्थिति बनती हुई देखने को मिली है। खासकर बात करें तो उत्तर पश्चिमी भागों में गिरिडीह में आपको हीट वेव और सीवियर हीट वेव की स्थिति बनती हुई दिखी है। रांची में भी कल हीट वेव की स्थिति बनती हुई देखने को मिली है और बोकारो जिले में गंभीर गर्म रात की स्थिति देखने को मिली है। अब बात करते हैं सिनॉप्टिक फीचर की, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है और ये एक्सटेंड कर रहा है 1.5 किलोमीटर एवं मीन सी लेवल, और इसी साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक ट्रफ है जो झारखंड से पश्चिमी असम तक स्ट्रेच कर रहा है जो कि 0.9 किलोमीटर एवं मीन सी लेवल में बना हुआ है। और बात करते हैं मुख्य शहरों के अधिकतम तापमान की, तो रांची में कल जो पिछले 24 घंटे में गया था तो रांची में 40.6, जमशेदपुर में 43.2, डाल्टनगंज में 45.1, बोकारो थर्मल में 42.5, चाईबासा में 43.4, देवघर में 42.5 और गोड्डा में 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो अधिकतर जिलों में पिछले 24 घंटे में जो अधिकतम तापमान था वो 40 से ऊपर ही रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं आने वाले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, तो 19, 20 और 21 ये 3 दिन झारखंड में कुछ कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और साथ में आपको थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग भी देखने को मिलेगी। खासकर बात करें तो जो पूर्वी भाग है और उससे सटा हुआ निकटवर्ती जो मध्य भाग है वहाँ पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग भी देखने को मिल सकता है। इस दौरान जो हवा की गति है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा भी वो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के टाइम में हल्की बारिश के समय में देखने को मिल सकती है। अब बात करें 22 तारीख को, तो 22 तारीख में राज्य में कुछ जगहों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, और जो हवा की गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के टाइम में देखने को मिल सकती है। तो 22 तारीख में जो इवेंट है वो थोड़ा सा ब्रॉडन होगा, थोड़ा सा ज़्यादा विस्तारित होगा और 23 तारीख से मौसम फिर शुष्क रहने की संभावना है। तापमान की बात करें तो आने वाले जो 2 दिन है उसमें तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और उसके तत्पश्चात जो हल्की बारिश है और जो मौसम में जो बदलाव है उसकी वजह से 2 से 3 डिग्री की जो अधिकतम तापमान में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आने वाले जो 2 दिन है उसमें भी हीट वेव की स्थिति बनती हुई दिखेगी, खासकर जो पलामू संभाग के एरिया हैं, रांची, लोहरदगा, इन इलाकों में आपको हीट वेव की स्थिति बनती हुई दिखेगी। और फिर 21 तारीख से हीट वेव की स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा, राज्यभर में जो टेम्परेचर फॉल होगा उसकी वजह से हीट वेव की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। और बात करें तो अभी आने वाले जो 4-5 दिनों हैं में मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, थोड़ा सा राहत मिलने की आम जनता को संभावना जताई जा रही है।